हम बीमार क्यों होते हैं इसके बारे में आज हम बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति महाराष्ट्र मुंबई या कोल्हापुर यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं, वो सब चेक कर लेते हैं, सब जांच कर लेते हैं और वो जांच करने के बाद में भी कुछ निकलता नहीं है। जैसा कि हेडेक है, सर दर्द, माइग्रेन, फिर बॉडी एक्स एंड पेन्स, पूरे बदन में दर्द, फिर इरिटेबल वगैरह, चिड़चिड़ापन, पेट विकार, दमा, नींद नहीं आना, काफ़ी सारा रोल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने में भी दिमाग का रहता है। तो ऐसे काफ़ी सारी बीमारियां होती है कि जिसमें कुछ मिलता नहीं है या फिर मन का बहुत रोल रहता है कि मन के टेंशन की वजह से वो होता है। अभी हम वो यदि पार्ट देखें कि भाई मन का टेंशन या मन में जो भी चल रहा है उसके बारे में मैं अभी आज बात कर रहा हूँ कि वो यदि हम निकाल दिए वो पार्ट, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं बॉडी की निकल जाएगी और हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। तो वो क्या क्या है? तो नंबर एक जो है कि हर व्यक्ति खुद के बारे में उसको नफरत और घृणा या द्वेष रहता है, खुद के बारे में अपराधीपन की भावना रहती है, कुछ ना कुछ प्रमाण में रहता है। घृणा है, द्वेष है, अपराधीपन की भावना है ना, नफरत है, कहीं ना कहीं उसको लगती है अपने बारे में, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता हूं, मैं इतना इतना अच्छा नहीं जितना वो है। अपने खुद के बारे में चीड़ है, गुस्सा है, द्वेष है, खुद की निंदा करना, खुद की आलोचना करना, खुद में कमियां महसूस करना, यह अपराध बोध, अपराधीपन की भावना, ये बहुत ही खराब करने वाली चीजें अपने दिमाग में रहती है कि अपने बॉडी को खराब करते हैं। यदि हम चीड़ जो है, द्वेष, नफरत, गुस्सा यदि हम छोड़ देते हैं ना, तो कुछ लोगों में कैंसर भी ठीक हुआ है, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो चुकी है, इतना उसका असर, बुरा असर अपने बदन पे गिरता है। यदि हम अपने भूतकाल के बारे में सब छोड़ देते हैं, जो भी घटनाएं हुई है, जो दर्द दे रही है, भूतकाल के, अतीत के बारे में सब छोड़ देते हैं और जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उनको माफ कर देते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी निकल जाएगी। हम गुस्सा पकड़ के बैठते हैं, खुन्नस पकड़ के बैठते हैं लोगों के बारे में, और वो गुस्सा, खुन्नस बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। हमें सीखना चाहिए कि भाई मैं खुद के ऊपर कैसा प्यार कर सकता हूँ, मैं जैसा है वैसा है और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, जो मुझे अपेक्षा थी कि मैंने ऐसा होना चाहिए था, ठीक है वैसा नहीं हूं मैं, जो एक आइडियल परफेक्ट इंसान जो मैंने होना चाहिए था वैसा नहीं हूं, ओके नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं उसमें, जो है वो है, क्योंकि मैं अपने आप को कितनी भी कोशिश करना तभी मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूं, एक नया व्यक्ति बन सकता हूं, मैं यदि कितनी भी बदलने की कोशिश करूंगा मेरे अपने आप को तो बदलूंगा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। खुद का स्वीकार करना, खुद का स्वीकार और जैसा है वैसा खुद का स्वीकार करना, ये अपने आप को बहुत अच्छा करने का तरीका होगा और अपने में बहुत सुधार लाएगा डेफिनेटली। यदि हम अपने आप को प्यार करेंगे हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलना चालू हो जाएगा। जो नफरत है, जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन, द्वेष अपने बारे में छोड़ देंगे, अपने आप को प्यार करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चलना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां निकल जाएगी। आप कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं करते हो, ये सब आपकी गलती है, कितने बार आपने ऐसा सुना हुआ है बाकी लोगों से, आपके जो सबूत है, आपने कितना बार ऐसा सुना हुआ है कि यार बहुत आप वंडरफुल हो, बहुत आश्चर्यकारक, आप बहुत महान इंसान हो, मैं सच्चे आपके ऊपर प्यार करता हूँ, ऐसा आपने कितने बार सुना है? बहुत कम ना, हम तो निगेटिव बातें ही बहुत सुनते रहते हैं। आपके बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे माँ बाप के प्रति हमारा गुस्सा, हमारी नफरत, घृणा। बहुत लोगों को अपने माँ बाप के प्रति बहुत घृणा रहती है, नफरत रहती है, कंप्लेंट्स रहती है, बहुत लोगों को रहती है, आपको नहीं होंगी, ठीक है बहुत अच्छा है, बहुत लोग रहते क्या रहती है कि माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, माँ बाप ने वैसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा करना चाहिए था, उन्हें मेरे को वैसा सिखाना चाहिए था, तो ऐसा उनको काफी रहता है। यदि आपको आपके माँ बाप के बारे में यदि समझना है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया आपसे, आप उनसे बात करो और उनको अपने बचपन के बारे में बोलने दो, वो अपने बचपन के बारे में क्या बोलते हैं, उनको उनकी कैसी परवरिश हुई, जो भी आज वो बने हैं वो ऐसे क्यों बने, तो आपको समझ में आएगा कि उनके बचपन में भी ऐसा कुछ हुआ कि जिसके वजह से, और जो परवरिश हुई जिसके वजह से आज जो बने हैं वो बने, और उन्होंने आपको जैसा जैसी परवरिश की आपके वैसे किया,
उनको जितना भी मालूम था, उनको जितना भी ज्ञान था, उनको जितना भी जनरल नॉलेज था, वो हिसाब से उन्होंने आपको बड़ा किया, आपकी परवरिश किया, जो भी हुआ वो हुआ, मगर उनको दोष देने में मतलब नहीं है। उन्होंने अपना बेस्ट किया हुआ है, अपने पेरेंट्स ने, तो उनको धन्यवाद देना जरूरी है, रादर देन कि उनको हेटेड करना, गुस्सा करना, घृणा करना, उनको दोष देना। वो आपके सोर्स है, पेरेंट्स, माँ बाप, और सोर्स के प्रति आप यदि कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो जिंदगी में प्रॉब्लम होगा। जितनी भी आपको लोगों के प्रति घृणा नफरत द्वेष है, अपने आप के प्रति घृणा नफरत द्वेष है, उतना आपका लाइफ चलेगा नहीं। जितनी कम घृणा नफरत द्वेष है, उतना आपका लाइफ अच्छा चलेगा, ये पक्का है। तो ये आपको चीजें बाजू रखनी पड़ेगी, कोई भी हालत में। हम अपने आप को ऐसा बोलते रहते कि मेरे लायक ही नहीं है, उतना मैं अच्छा नहीं हूं, ऐसा अपने को लगता है, और अब हम खुद अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करते। खुद को एक्नॉलेज करना चालू करो, खुद को एक्नॉलेज करो कि ठीक है, मैं ठीक आदमी हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे को ये संभव है और मैं करूंगा, ये पक्का आप कर सकते हो। ऐसा पाया गया है कि गुस्सा, द्वेष, नफरत, घृणा, आलोचना करना, अपराध बोध की भावना रखना, डर, ये चीज से बहुत नुकसान जिंदगी में होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और वो बचपन से जो परवरिश आपकी हुई वहां से आया हुआ है। ये सब चीजें जो आती है वो लोगों को दोष देने में होती है, जवाबदारी लेना नहीं, जिम्मेवारी लेना नहीं, लोगों को दोष देते जाना, लोगों से गुस्सा नफरत करते जाना, वहां से सब प्रॉब्लम्स तैयार होते रहते हैं। देखो, हम तो लोगों को बोलते रहते कि ये लोग ऐसे है, वो लोग ऐसे है, वो हिसाब से मेरे ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, या मेरी परवरिश ऐसी हो गई, मगर हम अंदर देखते नहीं है कि मैं कैसा हूं। देखो, आप जैसे है वैसे लोग तो आपके तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यदि आपके अराउंड जो लोग है वो एक तरह के है, तो आपने तो अट्रैक्ट किया उनको, वो तो आप ही आप नहीं है। आप ये समझ लेंगे कि मैंने उसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए कि मेरा ऐसा कुछ स्वभाव है कि जो स्वभाव की वजह से ये लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, और ये मेरा भी कंपू बन गया है, ये मेरा एनवायरमेंट बन चुका है, फिर उनको दोष क्यों देना। उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी कि जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है और उसका जिम्मेदार मैं हूं। यदि आप ऐसा बोलते हैं कि ये लोगों की वजह से हुआ, ये उसका जिम्मेदार है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, और आप ऐसे लोगों को दोष देते घूमेंगे, तो आप समझ लो कि ये आपका पैटर्न है, एक आपका पैटर्न बना हुआ है, जैसे लोगों का वैसा ये आपका बना हुआ है। आपका पैटर्न कौन सा बना हुआ है? लोगों को दोष देना। आपके दिमाग में ऐसे थॉट होंगे, आपका बिहेवियर ऐसा कुछ होगा कि जिसके वजह से इस तरह के लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हुए और वो आपका सराउंडिंग बन गया। यदि आपने वैसा सोचना छोड़ दिया, वैसे लोगों को अट्रैक्ट करना छोड़ दिया, उसकी जिम्मेवारी लिया, तो ये आपके पास में जो लोग हैं ना, वो आपके पास में रहेंगे नहीं, और वो कहीं चले जाएंगे, वो दूसरों के पास में जाके चिपक जाएंगे, आपके पास में रहेंगे नहीं, ये पक्का है। ये तो मैंने काफी लोगों में देखा हुआ है कि लोगों को माफ करना और जो गुस्सा है, नफरत है, उसको छोड़ देना, कैंसर भी ठीक हो गया है बहुत लोगों का, बहुत ज्यादा लोगों को कैंसर ठीक हो चुका है। जो अतीत हो चुका है वो अतीत हो चुका है, अतीत में जो भी हो गया वो हो गया, अभी उसको दोहरा नहीं जा सकता। मगर मेरे कितनी ये मूर्खता है कि जो अतीत में हुआ है वो मैं पकड़ के बैठा हूं, मैं खुन्नस पकड़ के बैठा हूं, लोगों के प्रति गुस्सा, मेरे प्रति गुस्सा पकड़ के बैठा हूं, और मैं मुझे उसकी शिक्षा कर रहा हूं, पनिशमेंट दे रहा हूं, कितनी मूर्खता है ये। तकलीफ तो मुझे हो रही है, तकलीफ तो मेरे बदन को हो रही है, तो पास को लेके कितने दिन तक मैंने ये पकड़ के बैठ के मुझे पनिशमेंट देनी है, तो ये ठीक नहीं है। पास्ट पास्ट है, वो हो चुका है, अभी उसका कोई आज संबंध नहीं है। जो भी हो गया है अपने आप को माफ करो, लोगों को माफ करो, और नए जीवन की शुरुआत करो, डेफिनेटली आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। मुझे जैसा चाहिए था वैसे आप नहीं है, इसलिए मैं आपको माफ कर देता हूं, मैं आपको माफ कर देता हूं और आपको फ्री कर दे रहा हूं। यदि आपने ऐसा लोगों को फ्री कर दिया कि जैसा चाहिए था वैसा नहीं है आप, ठीक है, ओके, तो जो खुन्नस, गुस्सा, आलोचना करना है, जो पकड़ के बैठे वो निकल जाएंगे, और आप बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे, बहुत रिलैक्स। आप ही समझ के चलो कि आप जब भी बीमार है उस समय आपने देखना है कि मुझे किसको माफ करना है, या किसको माफ करने का मैंने रखा हुआ है। आप सोचो, ढूंढो कि मैंने किसको माफ नहीं किया, उसको माफ करो, आपकी बीमारी निकल जाएगी। जो खुन्नस पकड़ के बैठे ना, बहुत सारी बीमारियां होती है उसकी वजह से। ऐसा बोला जाता है कि काफी सारी बीमारियां आपको आती है क्योंकि आप लोगों को माफ नहीं करते,
और जब जब आप बीमार है आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने किसको माफ नहीं किया हुआ है। माफ कैसे करना हमको जरूरत नहीं वो सीखने की। पहली स्टेप यह है कि मुझे ये सीखना है कि मुझे माफ करना है। माफ करना मतलब छोड़ देना, जाने दो, छोड़ दो, पकड़ के मत बैठो। मैं कुछ करूंगा, मैं देख लूंगा, मैं तो बताऊंगा एक दिन, उसने मेरा इंसल्ट किया हुआ है, ऐसा पकड़ के बैठना, माफ कर दो। जो भी आपको उसने बुरा किया है, आपके लाइफ में बुरा किया, माफ। काफी सारी बीमारियां आपकी निकल जाएगी। जो भी लोगों के बारे में आपके मन में गुस्सा है, आप समझ के चलो कि उन्होंने उस समय जो भी उनका बेस्ट था वो दिया, जितना भी अच्छा वो कर सकते थे वो किया, जितने भी और जैसे भी उनके ब्रेन पैटर्न थे वैसे उन्होंने बर्ताव किया। आप उनको क्यों दोष दे रहे? जैसा था वैसा था, जो किया उन्होंने बराबर किया। आपको उनको माफ करना है कि छोड़ दो। जब मेरे पास में लोग आते हैं तो काफी बार मैं उनको पूछता हूं कि भाई आपने किसको माफ नहीं किया और आपने अपने आप को प्यार करना कब छोड़ दिया? हो सकता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे जिंदगी के, आपके लाइफ ठीक नहीं चल रहा है। देखो कि आप आपके ऊपर प्यार कर रहे, आपने किसको माफ नहीं किया। यदि आप अपने आप को स्वीकार करना चालू कर देते हैं, आप जैसे है वैसे है, आप जैसे नहीं है वैसे नहीं है, जो भी जैसा भी है ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने आप के ऊपर प्यार करना चालू कर देते हैं, आपका लाइफ काम करना चालू करता है। आपके पास में पैसा आएगा, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और बहुत लाइफ में मजा आ जाएगा। जहां जहां प्रॉब्लम है देख लो आपने किसको माफ नहीं किया, आपने अपने आप को स्वीकार किया, अपने आप के ऊपर प्यार नहीं किया, वो देखना और वो चालू करना है, काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके निकल जाएंगे। आप अपने आप के ऊपर प्यार करते नहीं है उसके मैं कुछ मिसाल आपको देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने आप के ऊपर प्यार करते नहीं मतलब क्या होता है। एक तो क्या होता है कि हम अपने आप की आलोचना करते हैं, दोष देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हम हमारे बॉडी को ठीक नहीं ट्रीट करते हैं, जैसे बहुत कुछ ज्यादा खा लेना, एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ दवाइयां का एडिक्शन कर लेना, शराब पीना, स्मोकिंग करना, ये अपने आप को इल ट्रीट करना है, अपने आप अपने बॉडी की केयर लेना नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं प्यार के लायक नहीं हूं, ऐसा भी हम सोचते हैं, और हम किसी के ऊपर प्यार करते नहीं, किसको हमारे ऊपर प्यार करने देते नहीं है। जब हम किसको सर्विस देते हैं, हमारी सर्विस हम लोगों को देते हैं तो हम उसका उचित दाम उनको मांगते नहीं है, हमको उसमें हिचकिचाती है कि नहीं मैं इतनी लायक मेरी नहीं है। समझ जाना आप अपने ऊपर प्यार नहीं करते, वो एक निशानी है। हम हमारे शरीर में बीमारियां तैयार करते हैं, हमारे शरीर में हम दर्द तैयार करते हैं, समझ जाओ कि ये भी आप अपने ऊपर प्यार करते नहीं हो। जो चीजें उनसे हमको फायदा हो सकता है वो चीजें भी हम आगे ढकलते रहते हैं, समझ जाओ कि आप अपने ऊपर प्यार करते नहीं हो। हमारे ऊपर हम कर्जा कर लेते हैं, बहुत बर्डन ले लेते हैं और कर्जा फेरते नहीं है, झूठ बोलते हैं पैसे के लिए, तो ये भी होता है और ये भी एक निशानी है कि आप प्यार करते नहीं हो। देखो आप अपने ऊपर प्यार नहीं करते, कौन सी निशानियां हैं कि जो बोलेंगे कि आप आपके ऊपर प्यार नहीं करते हो? ये भी देखो, आप गाड़ी बहुत जोर से चला देंगे, बहुत बेफिक्री से गाड़ी चलाएंगे, रफली रैशली ड्राइव करेंगे, जहां से मालूम है कि धोखा हो सकता है उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, हो सकता है कि वहां प्रॉब्लम आ जाएगा, मालूम है आ सकता है तभी भी उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, आप आपके ऊपर प्यार करते नहीं हो। अपने ऊपर प्यार करना मतलब अपने आप को कभी भी दोष देने का नहीं है, अपने आप की कभी भी आलोचना करनी नहीं है। मोटापा एक एग्जाम्पल है कि जहां आप अपने ऊपर प्यार करते नहीं हो। लोग सालों साल बिताते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाने पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मोटापा कंट्रोल होता नहीं है। आप अपने ऊपर प्यार करना चालू करो, देखो मोटापा वैसे ही कम हो जाएगा। तो अपने आप के ऊपर प्यार करना, लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करना, अपने आप पर गुस्सा नहीं करना, द्वेष आलोचना करना, घृणा करना अपने आप की, अपराध बोध की भावना रखना, अपने आप के ऊपर प्यार नहीं करना, अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करना, उनकी आलोचना करना, ये काफ़ी बीमारियों का मूल है, रूट कॉज है, और ये हम यदि निकाल देते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारी ठीक हो जाएगी। ये वीडियो आप सभी लोगों को शेयर करो, जो लोगों को है ना कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कुछ नहीं मिल रहा है,
सब जांच पड़ताल किया है, सब नॉर्मल है, और उसके बावजूद भी उनको बीमारियां हैं। वो डॉक्टर के यहाँ चकरा काट रहे हैं, अपने कार्डियोग्राम निकालते रहते हैं, अपना ब्लड तपासते रहते हैं, अब एक्सरे निकालते रहते हैं, स्कैंस निकालते रहते हैं, एंडोस्कोपीज करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। वो सभी लोगों को यदि आप ये वीडियो शेयर करेंगे, मुझे विश्वास है उनकी बीमारियाँ ही निकल जाएगी। आपको कोई सवाल है तो नीचे नंबर दिए हैं, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं। मेरा ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर केयर ये नाम से, और ये नीचे नंबर दिए वहाँ भी आप कॉल करके मेरा कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। हमारे अलग अलग प्रोग्राम से उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आप शेयर करेंगे लोगों को, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप हमारे मिशन में हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।